आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इस न्यू फोन पे जो बेसिक फीचर्स रहता है उसे हम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। चलिए पूरा वीडियो को जरूर देख लेना, बहुत मजा आने वाला है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला वीडियो है, क्योंकि इस न्यू फोन पे लॉक करना, स्विच ऑन करना, ऑफ करना काफी सारे कुछ आपको जो है इसी वीडियो पे देखने को मिलेगा। सो चलिए पूरा वीडियो को जरूर देख लेना। सो यहाँ पे सीखेंगे फर्स्ट में कि आपको क्या करना है, सेटिंग पे आना है और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन, इस पर आपको आना है, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपको जो है मेन्यू बार देखने को आ जाएंगे। सो सबसे पहले हम यहाँ पे वॉलपेपर पे चला जाएंगे और यहाँ पे आप जो है कोई भी एक वॉलपेपर जो भी आप अपने डिवाइस में सेट करना चाहते हैं उस पर आपको इस तरह से क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे अप्लाई पे आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ से तीन ऑप्शन आपको यहाँ पे शो अप हो जाएंगे, जैसे कि लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन, होम एंड लॉक स्क्रीन। यहाँ से अब अगर आप जो है यहाँ पे लॉक स्क्रीन यानी लॉक पे सिर्फ लगाना चाहते हैं तो फर्स्ट पे क्लिक कर लेना है, एंड अगर आप होम स्क्रीन पे लगाना चाहते हैं इस पर क्लिक कर लेना है। अगर आप दोनों पे सेट करना चाहते हैं वही एक ही वॉलपेपर तो यहाँ से इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे रिसेंट में जितने सारे जो है वॉलपेपर आप पहले इस्तेमाल कर चुके हैं सारा एप्लीकेशन यहाँ पे आपको शो अप हो जाएंगे, यहाँ से भी आप ले सकते हैं। एंड एल्बम पे आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे गैलरी जो है आपका डिवाइस का वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से जो भी फोटो आप लगाना चाहते हैं अपने वॉलपेपर पे बस उस फोटो पे आना है, इस तरह से सिलेक्ट करना है और यहाँ पे अप्लाई पे आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन एंड होम एंड लॉक स्क्रीन, इस पर क्लिक करके आप सेट कर सकते हैं जिस पे भी आप सेट करना चाहे। उसके बाद अगर आप जो है कस्टमाइज करना चाहते हैं, अगर आपका खुद का कोई जो है एप्लीकेशन जो है यहाँ पे वॉलपेपर आप देना चाहते हैं या इन्वेंटिव वॉलपेपर आपको देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्रिएट योर ऑन वॉलपेपर आपको यहाँ पे शो अप हो रहे हैं, अगर आप इस पर क्लिक कर लेते हैं इस तरह से देखने को मिल जाएगा। कैमरा वाला आइकन पे क्लिक करोगे कैमरा ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आप क्लिक करोगे गैलरी ओपन हो जाएगा। यहाँ से कोई भी फोटो को मिक्स करके अगर आप जो है वॉलपेपर बनाना चाहते हैं इस पर आपको क्लिक कर लेना है इस तरह करके, यहाँ से इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। राइट वाला बटन आप कलर यहाँ पे क्लिक करोगे सो ये कलर मैच हो चुके उसी तरह कलर से मिक्स होके एक न्यू वॉलपेपर क्रिएट हो जाएगा जो आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे देख लेंगे थीम्स का, थीम्स पे आओगे अब अपने डिवाइस में यहाँ से जो भी थीम्स यूज़ करना चाहते हैं वो बिल्कुल फ्री में आप जो है काफ़ी सारे थीम्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस पर इंटरनेट कनेक्शन दोगे तो काफ़ी सारे थीम्स भी जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ओपन थीम स्टोर पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे थीम्स आपको मिल जाएंगे, फॉन्ट आपको मिल जाएंगे, वॉलपेपर्स आपको मिल जाएंगे, नेट कनेक्शन आपको देना होगा, कैटेगरीज आप यहां से चूज कर सकते हैं। काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के न्यू डिज़ाइन का आप जो है वॉलपेपर थीम्स आप चूज करके अपने डिवाइस पे सेट कर सकते हैं इसी जो है साइट से। इसके बाद बात करेंगे यहां पे क्विक सेटिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा इस तरीके से। ओके यहाँ पे ऊपर की ओर जो है यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ये बार आपको नोटिफिकेशन का ये आइकन किस तरह से आपको यहाँ पे राउंड टू राउंड आपको देखने को मिल रहा है। अगर इसका जो है इसको अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हैं शो ऑफ हो रहा है, इसी तरह से यहाँ पे भी आपको शो ऑफ हो रहा है। सो इसी तरह से आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। न्यू फोन पे अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिला कलर का ऑप्शन, इस जैसे ही क्लिक करोगे कोई भी फंक्शन आप जो है सेटिंग्स से जाके ऑन करते हैं ऑफ करते हैं तो उसके बाद जो है इस तरह करके आपको वहाँ पे शो ऑफ हो रहे हैं। सो ये भी आप कलर जो है चेंज कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से देखने को आएगा अगर आप यहाँ से चूज कर सकते हैं तो करते हैं तो। एंड यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे तो आप अपने हिसाब से भी कोई भी कलर एक चूज करके सेव वाला बटन पर क्लिक करके वो नोटिफिकेशन के लिए यहाँ पे वो कलर आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे फ्रंट एंड डिस्प्ले साइज का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो ऑफ हो रहा है, ये जो लिखावट है जो भी आप मैसेज यूसेज करेंगे इस तरह से शो ऑफ हो जाएंगे। अगर आप इसे कस्टमाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे वो जो है वन प्लस सेंस पे क्लिक करोगे इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, मोर पे क्लिक करोगे इंटरनेट कनेक्शन देखे काफ़ी सारे अलग अलग तरह के यहाँ पे फोन जो आपको देखने को मिल जाएगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ से लेके यूज कर सकते हैं। उसके बाद फॉन्ट साइज, ये जो लिखा हुआ है इसका साइज देख सकते हैं इतना बड़ा कर सकते हैं एंड इससे भी आप जो है छोटा कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले साइज, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है कितना लार्ज हो गया है, अगर आप इससे छोटा करना चाहते हैं तो इतना छोटा भी आप कर सकते हैं इस तरह सेलेक्ट करके। यहाँ पे अप्लाई पे आपको क्लिक कर लेना है, मोड पे क्लिक करोगे और भी इंटरनेट कनेक्शन से आपको काफ़ी सारे फॉन्ट हो गया, काफ़ी सारे स्टाइल का यहाँ पे आपको जो है देखने को मिल जाएगा फॉन्ट्स। ओके
और यहाँ पे इसके बाद देख लेते हैं ये आइकन पे। आइकन पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे आपको आइकन जो है देखने को मिल रहा है एप्लीकेशन का, इस तरीके से आपको यहाँ पे शो ऑफ हो रहा है आइकन। अगर मैं इससे जो है आइकन इस पे जरा करूंगा तो आइकन देख सकते हैं कितना लार्ज जो है इसका साइज जो है हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह से क्लिक करोगे तो जो है आइकन के अंदर जो लाइन आपको देखने को मिल रहा है वो आपको यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखना, ओके, देख सकते हैं इस तरीके से आप जो कस्टमाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं एप्लीकेशन भी आपको शो ऑफ हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे जो है यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम जो है वो भी आपको यहाँ पे शो ऑफ हो रहा है। सो अगर आप जो है यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे तो देख सकते हैं कितना लार्ज हो जाता है, एंड इसे अगर छोटा करोगे इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी एप्लीकेशन का नाम आपको यहाँ पे शो ऑफ नहीं होगा, सिर्फ एप्लीकेशन का जो लोगो है वही आपको शो ऑफ हो रहा है। सो इस तरह से आप कस्टमाइज भी कर। इसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का ऑप्शन, इस पर आएंगे और यहाँ पे डार्क मोड अगर सेलेक्ट करोगे तो इस तरह से आपको जो है यूज करने को आएगा नाइट टाइम के लिए। अब जो है ब्राइटनेस अगर कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं। ऑटो ब्राइटनेस में अगर आप क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली लाइट के हिसाब से ये कंज्यूम करेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आई कंफर्ट, अगर आप नाइट में ज़्यादा टाइम तक फ़ोन इस्तेमाल करते हैं इस पर क्लिक करोगे तो इसका लाइट जो है कुछ डिम टाइप का आपको देखने को मिलेगा, इससे आपका आई पे काफ़ी जो है अच्छे यहाँ पे जो है लाइटिंग जो पड़ेगा, एंड उससे आपका आई पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। अब यहाँ पे बात कर लेंगे यहाँ पे ऑटो स्क्रीन ऑफ का, यहाँ पे देख सकते हैं अब कोई भी डिस्प्ले पे अगर छेड़खानी नहीं करते हैं आप ऐसे ही छोड़ देते हैं तो 15 सेकेंड एंड 10-30 सेकेंड 1 मिनट 2 मिनट इस तरह से लाइट जो है ऑन ऑफ आप कर सकते हैं, ऐसे सेलेक्ट करते हैं। अगर डिस्प्ले आप छोड़ दोगे टच नहीं करोगे तो लाइट ऑफ हो जाएगा डिस्प्ले का। अगर आप जो है ज़्यादा टाइम तक लाइट रखना चाहते हैं डिस्प्ले पे तो ज़्यादा से ज़्यादा मिनट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन आपको देखने को मिले, इस पर आना है। यहाँ से आप जो है अपने जो है रिंगटोन जो आप सेट करके रखते हैं उसका साउंड कम ज़्यादा आप जो है यहाँ से कर सकते हैं रिंगटोन का भी, एंड जो भी आप सेट करके रखोगे साउंड अलार्म के लिए रिंगटोन सेट करने के लिए यहाँ पे आना है। यहाँ से आपको यहाँ पे काफ़ी सारे रिंगटोन जो है ऑलरेडी कंपनी की तरफ से जो दिया हुआ है वो आपको यहाँ पे शो ऑफ हो जाएंगे, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे ऑन दिस डिवाइस यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके डिवाइस में जो भी सॉन्ग है उसे भी आप जो है रिंगटोन पे सेव कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। उसके बाद अगर वाइब्रेशन करना चाहते हैं तो वाइब्रेशन ऑन रिंग आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो फोन आने के वक्त फोन आपका वाइब्रेट भी होगा एंड रिंग भी बजेगा इस तरह करके। अगर वाइब्रेशन साइलेंट करना चाहते हैं इस पर क्लिक कर लो, इससे जो है वाइब्रेशन नहीं होगा, फोन साइलेंट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं न्यू डिवाइस में आप लॉक कैसे लगा सकते हैं। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आना है। लॉक स्क्रीन पासवर्ड का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस तरह से 5 सेकेंड लेंगे यहाँ पे, उसके बाद इस तरह से ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। कंटिन्यू पे आप क्लिक करोगे उसके बाद लॉक मांगा जाएगा, ओके, वो आप जो भी लॉक लगाना चाहते हैं वो डबल लॉक लगा के आप उसे फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद फिंगरप्रिंट का यहाँ पे देख सकते हैं, फिंगरप्रिंट पे आप क्लिक करोगे इस तरह से आएंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है और पावर वाला बटन जो साइड में रहता है वहाँ पर क्लिक करके फिंगरप्रिंट आप लॉक लगा सकते हैं इस डिवाइस में। एंड अगर आप फेस लॉक करना चाहते हैं इस डिवाइस में तो यहाँ पे आना है, इस पर इस तरह से कंटिन्यू पे क्लिक करना है एंड फेस को आपको सामने लाना है कैमरा ओपन करके, एंड वहीं पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप जो है अपनी लॉक फेस लॉक जो लगा सकते हैं इस डिवाइस में। इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, अब क्या करते हैं न्यू अगर फोन लिए हैं तो इस फोन को आपके जो है ऑन ऑफ नहीं कर पाएंगे न्यू जब आप परचेज करेंगे, क्योंकि स्विच ऑफ और ऑन आप जो है पावर वाला बटन से कर ही नहीं सकते हैं अगर आप इसे सेटिंग नहीं करोगे तो। सो इसके लिए आपको क्या करना है, सिस्टम सेटिंग पे आना है, इस पर आना है और यहाँ पे आपको इस तरह से आना है, यहाँ पे पावर बटन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है, इस तरीके से इसे ओपन कर लेना है। यहाँ पे फिर से आपको क्लिक कर लेना है, यहाँ पे आपको ये देख सकते हैं इस पर टिक लगा हो रहा है तो आप पावर वाला बटन अगर जैसे ही प्रेस करोगे इस तरह से आपको शो ऑफ हो जाएंगे। सो यहाँ से कभी भी आप जो है पावर वाला बटन से स्विच ऑन ऑफ जो है फोन को आप नहीं कर सकते हैं। इसके लिए फर्स्ट पे आपको टिक करना है, पावर मेन्यू पे आना है, इस पर क्लिक करना है, पावर वाला बटन जैसे ही प्रेस करोगे यहाँ से आप स्विच ऑन एंड ऑफ आप कर सकते हैं। सो गाइस ये था कुछ न्यू डिवाइस में जो इम्पोर्टेंट सेटिंग, जो इम्पोर्टेंट जो है सेटिंग है इसे आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए, ओके। सो गाइस इन फ्यूचर में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो और कुछ भी चीज़ सीखना हो कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पे इस फोन में काफ़ी सारे कुछ है सो धीरे धीरे मैं सारा चीज़ यहाँ पे लाते रहता हूँ। सो जो ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है उसे ज़रूर देख लेना अगर आप नहीं देखे हैं तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, इस वीडियो पे कमेंट जरूर करना आपको ये वीडियो कैसा लगा।